17 नवंबर साल 1869 को विश्व की सबसे बड़ी नहरों में से एक स्वेज नहर को आधिकारिक तौर पर खोला गया। स्वेज नहर मिश्र में मानव निर्मित समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। साल 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने नहर के निर्माण के लिए स्वेज नहर कंपनी का गठन किया। इस नहर की लंबाई पनामा नहर की लंबाई से दुगनी होने के बाद भी इसमें पनामा नहर के खर्च का एक तिहाई पैसा ही लगा। वर्तमान में स्वेज नहर मिश्र देश के नियंत्रण में है। 17 नवंबर साल 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हुआ। वे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। साल 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में लालाजी बुरी तरह से घायल हो गए और अंत में आज ही के दिन 1928 में शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने अपने प्रिय नेता की हत्या का बदला लेने का निर्णय लिया और एक महीने बाद ही ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और लालाजी की मौत का बदला लिया। 17 नवंबर साल 2015 से राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। मिर्गी मस्तिष्क का एक क्रोनिक रोग है जिसे बराबर होने वाले दौरे पड़ने से पहचाना जाता है। मिर्गी का उपचार दवाओं और शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जा सकता है। नेशनल एपिलेप्सी डे यानी मिर्गी दिवस मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार विश्व भर में लगभग 50 लाख लोग मिर्गी के रोग से पीड़ित हैं, जिसमें से 80% लोग विकासशील देशों में रहते हैं।